बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के सबसे फेमस और खूबसूरत सेक्टर बिजनेस ऑफ फैसल हिल में मौजूद हैं। हमने कहा आपको डेवलपमेंट का काम भी दिखाएं और जितने खूबसूरत यहाँ पार्क बन रहे हैं और जितना तेज़ी से डेवलपमेंट का काम जारी है, ये यकीनन काबिले तारीफ है। और आज जितना मैं आपको ये भी बात बताने चल रहा हूँ कि 20 और 25 दिन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, इसका जो रेट है वो जंप करने वाला है। तो अभी टाइम है इन्वेस्टमेंट का, जो बिजनेस ऑफ फैसल हिल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फौरी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि 20 और 25 दिन के बाद इस रेट को जब वो अप होगा तो वो यकीनन फ़ायदा उठाएंगे। पहले भी करोड़ों और अरबों रुपए आप लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया बिजनेस ऑफ फैसल हिल से। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद और आसिम भाई, जिन्होंने ये पार्क बना रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। तो शहजाद बताओ, आपने बहुत बड़ी तादाद में सी ब्लॉक में मौजूद हैं, आपने प्लाट बेचे, डेवलपमेंट का काम कैसा जा रही है और लोगों को यहाँ के और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बिल्कुल दिल से चिमगरालू नो डेर जाए चिकम दे हर तरफ ता कंस्ट्रक्शन चिकम कार डेवलपमेंट कम कार दे हर तरफ तरवान दे हर तरफ ता चिकम दे अगर मशीनरी चिकम दे मुतखकारी नो डेवलपमेंट डेर जाए तेज़ सर दे रोड्स चिकम दी ऑलमोस्ट चिकम दी 90% चिकम दी जोड़ शेवी दी और सर चिकम दे दा पार्क चिकम दी दा हम डेर पर तेज़ सर रवान दी और दा टाइम दे जगह चे रेट से कम दे डेर जात कम दी नो सर जो संग चे सनी भाई हुए सर जे पास से कम दे रेट जम कुल वाले दिन दा टाइम दे राशे और प्लाट से कम दे अगवाख ले नो इंशाल्लाह डेरा पैदा बताओ सब मिला। बहुत शुक्रिया। तो शहजाद भाई की बातें सुनी। आसिम भाई, आप बताएं कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट का काम जारी है सी ब्लॉक में और इस पार्क में जो आप करवा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो ये है कि जितना तेज़ी से यहाँ काम हो रहा है और जितना यहाँ चीज़ें जो है वो दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि अगले आने वाले कोई 1.5 से 2 महीने के अंदर इधर प्लॉट्स पहली बात तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि पार्क हम बना रहे हैं, ये जब ओपन होगा फुटफॉल बढ़ेगा, लोग आएंगे, जब लोग आएंगे आगे पीछे देखेंगे कि जी इधर तो रहने के लिए बहुत सी जगह है, साथ साथ इधर जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। तो उसके बाद मेरे ख्याल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनवरी तक तो इधर आपको रीसेल में भी शायद प्लॉट ना मिले, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जब आपका एक जगह फुटफॉल बढ़ता है, लोग आते हैं, और अब यहाँ हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वाक एंड टेक्सला हरिपुर ऐसे जब लोग आएंगे तो जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली जो अभी कंडीशन हुई है फ्लड की वजह से, तो ये भी मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि डीआई खान वाला एरिया और जो केपी के लोग हैं, जाहिर बात है आने वाले दिनों में वो यहाँ मूव करेंगे, चूँकि वहाँ हालात ऐसे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट करना है, तो ये उनके लिए सबसे आइडियल जगह है, मोटरवे के करीब है, इधर से जीटी रोड लगता है, तो बिल्कुल आप कह लें कि आप इस्लामाबाद के अंदर भी हैं और आप वाह के अंदर भी हैं, और यानी कि जितने भी हमारे जो पख्तून भाई हैं वो मेरे ख्याल से वो एक मिनट नहीं सोचेंगे और वो यहाँ ज़रूर और इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया। आसिम भाई की भी बातें आपने सुनी। तो जैसे इन्होंने कहा कि केपीके के लोगों के लिए, टेक्सला हसन अब्दाल हरिपुर के लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट किसी जन्नत से कम नहीं है, रेट बहुत मुनासिब है, फौरी आए, अभी टाइम है इन्वेस्टमेंट का, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। और ये जो सी ब्लॉक है, ए और बी ब्लॉक से ज़्यादा लोकेशन खूबसूरत है, मोटरवे के ऊपर है, इसी तरह मल्टी गार्डन B17 का जो जी ब्लॉक है उसके साथ ये जुड़वा है, ये मरगला की पहाड़ी की लोकेशन है, तो बहुत आउट क्लास लोकेशन है। आप एक दफ़ा आए बिजनेस ऑफ फैसल हिल को विजिट करें और ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, इन्वेस्टमेंट करें और इससे फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया।